नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है परिवार। काफ़ी लंबे टूर के बाद उस दिन सुबह 4 बजे में घर पहुंचा। जाकर दरवाज़ा नॉक किया तो पत्नी ने उनींदी हालत में आकर दरवाज़ा खोला और मेरे अंदर प्रवेश किए बिना ही पलटकर अंदर चली गई। मुझे चाय की तलब थी, उसे ये कहना था पर कह नहीं पाया क्योंकि वो सोने जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर कमरे में आकर अपना सामान एक तरफ रख कपड़े चेंज किए और पलंग पर लेट गया। खुद से रसोई में जाकर चाय बनाने की इच्छा नहीं हुई। पत्नी बच्चों के साथ जाकर सो गई। ना उसने मुझे कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ कहा। इस तरह हमारी मुलाकात अक्सर होती थी, या यूँ कहें कि सप्ताह में 2-3 बार होती थी। मेरा काम मार्केटिंग का था, इसलिए अक्सर मैं रात को लेट आता था। पत्नी भी इन चीज़ों की आदि हो चुकी थी, इसलिए उनींदी आकर दरवाज़ा खोलती थी और फिर कमरे में जाकर सो जाती थी। आखिर उसी सुबह जल्दी भी उठना होता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, बाजार के काम, ऐसे बहुत से काम होती थी उसके पास। पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, आज माँ की याद आ रही थी जो अभी 7 महीने पहले ही स्वर्ग सिधारी थी। जब तक माँ थी दरवाज़ा माँ ही खोलती थी, बहू को उन्होंने कभी इसके लिए परेशान नहीं किया। बड़ी सीधी थी मेरी माँ, कब मैं भी खुश रहती थी। पर माँ की अपनी खासियत थी, जब भी लेट आता था तो वो ही उठकर दरवाज़ा खोलती थी और वो ये इंतज़ार नहीं करती थी कि मैं अंदर आकर दरवाज़ा खुद बंद करूँगा। जब तक मैं अंदर ना आ जाता दरवाजे पर ही खड़ी रहती। मेरे अंदर आने के बाद दरवाज़ा भी वो खुद ही बंद करती थी और फिर ये ज़रूर पूछती थी, रवि थक गए क्या, चाय पिएगा। कभी कभी मैं ना कह देता था, पर कभी कभी जब हाँ कहता था तो वो बहू को आवाज़ नहीं देती, बल्कि खुद रसोई में जाकर मेरे लिए चाय जरूर बना कर लाती थी। जब तक मैं चाय पी रहा होता था तब तक वो मेरे पास ही बैठी होती थी, कहती कुछ भी नहीं थी, बस चुपचाप बैठी होती थी। चाय पीकर मैं कप टेबल पर रखता था और अपने कमरे में आकर सो जाता था। वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। बस ऐसी ही हमारी मुलाकात होती थी। पिताजी थे नहीं, माँ ने ही मेरी परवरिश की थी। बचपन में उससे बहुत बातें करता था और वो मेरी हर बात सुनती थी, पर शादी के बाद ये सब कम होता गया और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हमारी मुलाकात मौन ही होती थी। समय के अभाव में, या यूँ कहें कि शादी के बाद अपनी पत्नी पर उसकी जिम्मेदारी डाल मैं बेफिक्र हो चुका था, इसलिए कभी उसे वक्त नहीं दे पाया। आज भी मुझे याद है, कई बार वो मुझसे बोलती रहती थी पर मैं उसे हाँ और हूँ में जवाब देता रहता था। शायद मैं उसकी बात सुनता भी नहीं था, पर फिर भी वो खुशी खुशी मुझसे बातें करती रहती थी। ये अलग बात है कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आखिरी बार उससे जी भर के कब बात की थी। पैसा कमाने की दौड़ में मैं उसे काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। जब वो बीमार हुई थी तब भी मैं उसके साथ नहीं था। मैंने पत्नी को पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी उसे दे दी थी। पत्नी ही उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़ती थी। वो कई बार कहती भी थी कि कुछ देर माँ के साथ तो बिता लो, पर मुझे तो पैसा कमाना होता था क्योंकि मुझे मार्केट संभालना होता था। आखिर सर्वाइव करने के लिए कमाई भी करनी थी, परिवार को पालने के लिए पैसा ही तो चाहिए। बस यही मेरी सोच थी। जब वो अंतिम सांसें गिन रही थी उस दिन भी मैं उनके साथ नहीं था, मैं किसी जरूरी मीटिंग में गया हुआ था। पत्नी ने वीडियो कॉल भी लगाया, शायद माँ मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे देखना चाहती थी, पर मैंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। क्या करता मीटिंग में जो था, मेरी भी अपनी मजबूरी थी, आखिर पैसा और प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी है। पर आज मैं ये सब क्यों याद कर रहा हूँ, अचानक माँ कैसे याद आ रही थी। आज इतने दिनों बाद मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया था, नहीं तो मैं बस से या कंपनी की कार से ही ट्रैवल करता हूँ। हालांकि मेरा रिजर्वेशन था, पर आज मीटिंग इतनी लंबी गई कि काफ़ी वक्त लग गया। मैं दौड़ा दौड़ा फिर भी बस स्टैंड तक पहुँचा, लेकिन तब तक बस रवाना हो चुकी थी। सोचा कोई दूसरी बस मिल जाएगी, पर दुर्भाग्यवश वो भी नहीं मिली। तब किसी ने कहा कि कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने वाली है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। बस फिर क्या था, मैंने ऑटो पकड़ा और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर टिकट लिया। अब रिजर्वेशन तो कहां से हो, सो मैंने जनरल में टिकट लिया और धक्का मुक्की के बीच ट्रेन में पहुंच गया।
पर सबसे बड़ी जीत मेरी तब हुई जब मुझे खिड़की के पास वाली सीट मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर मैं अपने आप को बड़ा विजेता समझ रहा था। यहाँ तक कि सीट के पास वाली फर्श को भी मैंने अपना सामान रखकर अपने कब्जे में कर लिया ताकि आराम से बैठ सकूं। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी इसलिए उधर ना देख कर कि मैं खिड़की के बाहर स्टेशन की नज़ारे देखने लगा। तभी अचानक ट्रेन में से ही आवाज आने लगी, अरे उधर कहाँ जा रही है, अपने बेटे को संभाल, दिख नहीं रहा तुझे भीड़ है यहाँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग ट्रेन में सफ़र करने के लिए चढ़ जाते हैं। अरे ऐसे बेटे को तो घर पर रखती, कहाँ लेकर घूम रही है, दिख नहीं रहा है क्या तुझे, हम खड़े हुए हैं, खुद के लिए जगह नहीं है, तुझे जगह कहाँ से दे दें। नहीं नहीं मेरे बच्चों के पास बैठाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इस बेटे को इसका क्या भरोसा, मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा दे तो। मैं भी जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। तभी भीड़ को छीरती हुई एक 40-45 साल की औरत अपने 13-14 साल के बेटे को गोद में उठाए वहीं आधम की, देखने में निम्न मध्यम वर्गीय लग रही थी। सस्ती सी कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था। वहीं वो 13-14 साल का किशोर खड़ा जो अपनी पूरी हाइट ले चुका था मंदबुद्धि प्रतीत हो रहा था। इतने बड़े बेटे को अपनी गोद में उठाई वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे बोली, भैया जी अगर बुरा ना मानो तो मैं अपने बेटे को यहाँ नीचे फर्श पर बैठा लूँ, कोई भी सीट नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि हमें अपने पास भी खड़े होने नहीं दे रहा है। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर उसके बेटे की तरफ, लेकिन उसने बोलना जारी रखा, बस अगले स्टेशन पर ही उतरना है मुझे, इतनी देर कैसे इसे गोद में लेकर खड़ी रहूँगी, इसे फर्श पर बिठा दूँगी तो थोड़ी देर मुझे भी आराम मिल जाएगा, 15-20 मिनट की बात ही है भैया जी, फिर तो मैं इसे लेकर उतर जाऊँगी। पता नहीं क्यों दिमाग तो हाँ नहीं कह रहा था, पर क्या सोचकर मेरा हाथ अपने आप ही सामान की तरफ चला गया और मैंने अपना बैग उठाकर गोद में रख लिया। ये देखकर उसने अपने बेटे को वहाँ फर्श पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास फर्श पर भी बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछने लगी। तभी उसके बेटे ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये देखकर उसने उसे तुलार दी करते हुए कहा, बस बेटा थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मेरा प्यारा बेटा, तब तक चुपचाप बैठेगा। उसने भी हाँ में सिर हिला दिया और अपनी माँ की आज्ञा मानकर चुपचाप बैठ गया। मैं दोनों की क्रियाओं को बड़े गौर से देख रहा था, मन में सवाल चल रही थी कि इतने बड़े बेटे को जो मानसिक तौर पर बीमार है गोद में उठाकर अकेली क्यों घूम रही है, इसके साथ घर का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है, ये अकेली कैसी संभालती होगी इसे। तभी उस औरत की निगाहें मुझसे टकराई जिससे मैं छिप गया। मेरे मन में चल रही सवालों को समझकर उसने कहा, ये मेरा बेटा है भैया जी, थोड़ा बीमार है पर किसी को परेशान नहीं करता, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग इसको देखकर डरते हैं, कहते हैं कि यह मंदबुद्धि है, इसे अपने पास भी नहीं बैठाते, तुम इसका इलाज क्यों नहीं कराती हो। अचानक मेरे मुँह से निकल गया, इतना पैसा कहाँ है भैया जी, हम तो रोज कमाते हैं तो खाते हैं, हमारे पास इलाज कराने के पैसे कहाँ, तो तुम्हारे साथ परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं है, इसे तुम अकेले ही संभाल रही हो, पता नहीं क्यों मैं भी सवाल पर सवाल किए जा रहा था। भैया जी कहने को तो पूरा परिवार है, सास शेठ जेठानी उनके बच्चे पति सब हैं, पर इसकी देखभाल के लिए कोई नहीं, शादी की पूरे 10 साल बाद हुआ था ये, वो 10 साल मैंने कैसे निकाली थी मेरा जी ही जानता है, बांच बोल बोल कर दुनिया भर के ताने मारे थे उन लोगों ने, जीना मोहल कर रखा था मेरा, पर मेरा पति मेरे साथ था, मंदिर मंदिर भटकी थी मैं एक औलाद के लिए, तब जाकर इसका चेहरा देखना नसीब हुआ था मुझे, पर जब घर वालों को ये पता चला कि मेरा बेटा, बोलते बोलते वो चुप हो गई, आँखों में आंसू आ गए, अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, अनाथ आश्रम छोड़कर आने के लिए कह दिया था उन्होंने, इस बार तो पति ने भी साथ दिया उनका, पर ऐसे कैसे अनाथ आश्रम छोड़ देता, भैया जी आखिर इसे जन्म दिया है मैंने, ये तो भगवान का प्रसाद था मेरे लिए जिसने मुझे माँ होने का सौभाग्य दिया था, बस लड़ पड़ी मैं भी उन लोगों से, अब कोई कुछ नहीं कहता मुझे, पर हाँ इसकी देखभाल कोई नहीं करता, मैं इसे अपने साथ ही
फैक्ट्री ले जाती हूँ और अपने साथी वापस ले आती हूँ। ये किसी को परेशान नहीं करता, इसीलिए फैक्ट्री वालों ने भी मना नहीं किया इसे लाने के लिए। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है तुम्हें? देख रहा था कि तुम ही इसे गोद में उठा कर ला रही थी, परेशानी नहीं होती तुम्हें? माहू भैया जी, अपने बच्चों के लिए तो दुनिया से लड़ जाऊं, आप तो हिम्मत की ही बात कर रहे हो। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर सकती? बच्चे अपनी माँ को भूल जाएं, पर माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। उसके शब्दों ने मुझे नींद से जगा दिया। शब्द नहीं थे, एक करारा थप्पड़ था जो सीधे मेरे गल पर जाकर लगा था। मेरी माँ ने भी तो मुझे पिताजी के जाने की बात पाला था, सही तो कह रही थी वो। मैं अपनी माँ को भूल गया, पर माँ अंतिम समय भी मुझे ही याद कर रही थी। काश मैंने उस समय माँ से बात कर ली होती, भला दो मिनट में मेरा क्या नुकसान हो जाता? मेरी पत्नी तो एक अच्छी बहू बन गई, पर मैं बस अच्छा बेटा नहीं बन पाया। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जब उठा तो देखा पत्नी रसोई में थी, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके थे। जाते हुए वो अपनी मम्मी को बाय करके बाहर जाने लगे। तभी मैंने उन दोनों से कहा, मैं भी तो खड़ा हूँ, मुझे बाय क्यों नहीं किया? दोनों बच्चे ठिठक कर खड़े रह गए। उन्हें लगा कि मैं उन्हें डांटूंगा, पर मैं उनके पास आया और उन्हें गले लगाते हुए बोला, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। अपनी कार से दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, पर वे खुश थे। ये उनके लिए सुखद था, पर पत्नी के लिए भी। पर मुझे अब समझ में आ गया था कि पैसों के साथ परिवार भी जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।